कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी और आपसे कहा था कि आप अपने सवालों के जवाब लिख दें, आने वाले वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब दे देंगे। उसको थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आप सबके सवाल हमने ले लिए हैं। आज हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब देने की। तो पहला हमारा सवाल है, सर हमारा नाम आयशा है और हम दिल्ली में रहते हैं। सर हम पिछले 6 साल से अपनी बीमारी से परेशान थे, लास्ट ईयर आपका ट्रीटमेंट लिया था, हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, इसलिए आपसे एक और एडवाइस चाहिए। सर हमारी बहन की लड़की जिसकी एज 20 साल है, पिछले 2 साल से वो दिमागी बीमारी से परेशान है। डॉक्टर्स ने सब टेस्ट करा लिए हैं, सब नॉर्मल हैं, कई फेमस डॉक्टर चेंज कर दिए हैं, सब उसको डिप्रेशन बताते हैं और नींद की दवाई देते हैं जिससे वो बस बेजान सी हुई रहती है। उसका वेट भी काफ़ी कम हो गया है, उसको देखकर तरस आता है, प्लीज़ कोई एडवाइस दें, हमें क्या करना चाहिए। देखें, सबसे पहला काम आप तो ये करें कि उनकी जितनी भी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन हैं उनको बंद करें, ठीक है। बंद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जितनी भी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। आप मार्केट से ले लें खमीरा नुकरा, ये एक यूनानी मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, ठीक है। इसका आप दीजिएगा 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच सुबह दूध से इसको लेना शुरू कर दें। 10 दिन तक इसको लेते रहें, 10 दिन के बाद आप ऐसा करें कि जो उनकी डिप्रेशन की दवाएँ चल रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी सुबह में एक टैबलेट चल रही है, शाम में एक टैबलेट चल रही है, तो उसको पूरे दिन में सिर्फ एक टैबलेट कर दें, ठीक है। फिर 15 दिन के बाद वो दूसरी टैबलेट भी बंद कर दें, ठीक है। एक तो ये काम ये करें, अगर उनकी चल रही है पूरे दिन में एक ही टैबलेट तो उसको आधा कर दें और फिर 15 दिन के बाद उस आधा को भी ख़त्म कर दें। पहली चीज़ तो ये करनी है कि उनकी जितनी भी डिप्रेशन की दवाएँ चल रही हैं उसको बंद करके रिप्लेस करना है आपको खमीरा नुकरा से। दूसरा काम आपको ये करना है, एक चीज़ होती है इविल आई, नज़र का लग जाना, ये एक ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है। नहीं, आसेबी बीमारियों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नज़र का लग जाना है। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नज़र का लगना हक है, ठीक है। मेरी उम्मत नेचुरल डेथ के बाद सबसे ज़्यादा नज़र लगने से मरेगी। अरब के अंदर कई सारे ऐसे मुहद्दिसीन गुजरे हैं जिन्होंने इस टॉपिक पर बहुत मोटी मोटी किताबें लिखी हैं। हाल के दौर में एक आलिम गुजरे हैं, शेख बिन बाज, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि आसेबी बीमारियों में नज़र का लगना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। दिमाग की सारी बीमारी, एंजाइटी, डिप्रेशन और कैंसर की पहली सीढ़ी नज़र का लगना होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको अंधविश्वास कह सकते हैं, कहेंगे कि देखो साइंस इन सब बातों को नहीं मानता, एविल आई जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो देखें मेरे भाई, साइंस तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानता जो हमारी सोसाइटी में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइंस कहता है कि हम सेब खाएंगे तो उससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन साइंस ये नहीं कहता कि सेब खाना कैसे है, चुरा के खाना है, ख़रीद के खाना है, मांग के खाना है, छीन के खाना है, कैसे खाना है, साइंस को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी, हमारा समाज हमें बताता है, हमारा धर्म हमें बताता है कि सेब को ख़रीद के खाना है, छीन के नहीं खाना है, ठीक है। तो ये साइंस से ऊपर के लेवल की चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, नज़र का लग जाना, ठीक है। अब कैसे पता चले कि किसी इंसान को अगर डिप्रेशन है या किसी इंसान को एंजाइटी है कि उसको नज़र ही लगी हुई है एक्चुअल में, या कोई और इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में भी चला गया, ठीक है। ऐसा भी होता है कि कई बार लंबे टाइम से इंसान बीमार चल रहा है उसकी वजह से डिप्रेशन में चला जाता है, या कई बार ऐसा होता है कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाती है ज़िंदगी में, ऐसी कोई घटना हो जाती है जिससे वो रिकवर ही नहीं हो पाता और इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन नज़र का लग जाना ये भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब करना क्या है, देखिए इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना है, कहीं किसी के पास नहीं जाना। आप जाएं यूट्यूब पर जाकर सर्च बार में लिखें रुकिया शरिया, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा, और उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद आपको वहाँ काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, जो वीडियो उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा है, काम करता है, उसका मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। नहीं, उसको आप प्ले करके सुनना शुरू कर दें। उसके अंदर कुरान की आयतों का कॉम्बिनेशन है। कौन सी कुरान की आयतें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आसेबी बीमारी से बचने के लिए दुआएं बताई हैं, उन सारी दुआओं का कॉम्बिनेशन उस रुकिए के अंदर है, ठीक है। उसको आप लगा कर सुनना शुरू कर दें, ईयरफोन ले लें, ईयरफोन लगा के
पेशेंट को लिटने बोलें, बैठने बोलें, जैसे भी उसको सहूलियत लगे, और एक घंटा कम से कम उसको बैठा के रखें। उस एक घंटे के दौरान अगर पेशेंट को बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, या वो कांपना शुरू हो जाता है, या इधर उधर भागना शुरू हो जाता है, या उसको ईचिंग होना शुरू हो जाती है, उसको वॉमिट फील होना शुरू हो जाती है, उसको वॉमिट शुरू हो जाती है, ठीक है, या उसको लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं, या फिर उसको पसीना आना शुरू हो जाता है, उसको पेशाब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, तो ये समझ लीजिए कि ये सिम्टम्स हैं कि उस बंदे को ऐसी नज़र लगी हुई है और जिसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट यही रहेगा, करना ऐसे ही है कि हर रोज़ उस बंदे को कम से कम 2 से 3 घंटे तक उसी कुरान को सुनाना है, उसी रुकिया को सुनाना है। पहले दिन परेशानी ज़्यादा होगी, दूसरे दिन उससे थोड़ा कम होगी, तीसरे दिन उससे और थोड़ा कम होगी, चौथे दिन उससे और थोड़ा कम होगी, धीरे धीरे 10 से 15 दिन के अंदर पेशेंट बेटर फील करने लगेगा, उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी बेटर होगी, और कुरान से जो उसको तकलीफ़ होना शुरू हो रही थी वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ एक काम और कर सकते हैं आप, अगर आपको जमजम अवेलेबल हो जाए तो वो और पिलाना शुरू कर दें। ठीक है, एक चीज़ और मिलती है मार्केट के अंदर, जैतून का तेल, कुकिंग ऑयल। एक होता है लगाने वाला, वो नहीं, एक कुकिंग ऑयल होता है जैतून का, अगर आप उसको जमजम के अंदर मिलाकर देना शुरू कर दें, यानी कि एक गिलास पानी है जमजम का और उसके अंदर आप आधा चम्मच जैतून का तेल डालकर देना शुरू कर दें, तो उससे और बेटर रिज़ल्ट जल्दी मिल जाएंगे। जो प्रॉब्लम 1 महीने में ठीक हो रही है वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह 15 दिन में ठीक हो जाएगी। ये शुरू करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर आपके जो पेशेंट है वो बेटर रिकवरी महसूस करेंगे बिना किसी दवा के। ठीक है, नहीं, जितने भी एंटी डिप्रेशन है उनकी सब ख़त्म हो जाएगी, एनजाइटी के लिए जो भी दवा खा रहा है, डिप्रेशन के लिए जो भी दवा खा रहा है, वो सारी उनकी परेशानी, वो सारी दवाई उनकी बंद हो जाने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, शेख बिन बास कहते हैं कि कैसे पता चले कि किसी इंसान को नज़र लगी हुई है, अगर किसी इंसान का अपने काम में दिल लगना बंद हो जाए, ठीक है, किसी इंसान का अपने घर में दिल लगना बंद हो जाए, घर चिड़चिड़ा रहना शुरू कर दे, गुस्से में रहना शुरू कर दे, ठीक है, लंबे टाइम तक बीमार रहना शुरू कर दे, बीमार है, बिस्तर पे से उठने को दिल नहीं कर रहा, कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा, सुस्ती महसूस कर रहा है, तबीयत गिरी पड़ी महसूस कर रहा है, बदन में दर्द महसूस कर रहा है, तो ये बहुत सारे सिम्टम्स बताए हैं कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और एक बीमारी बार बार रिकरेंट हो रही है, बार बार, यानी कि कुछ दिन पहले टाइफाइड हुआ था, फिर दोबारा टाइफाइड हो गया, ठीक है, नहीं, कुछ दिन पहले किसी बीमारी की दवा ली थी, फिर वो बीमारी दोबारा रिग्रो हो गई है, तो इस तरह की बीमारी के अगर सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं तो फिर ज़रूरी है कि वो रुकिया को ज़रूर सुने, इंशाल्लाह उससे बेटर फील करेगा।